एक ही महिला के दो जिगरी दोस्तों से थे संबंध, त्रिकोणीय प्यार में एक को मारी गोली। त्रिकोणीय प्यार में दो जिगरी दोस्तों के आपस में ही मतभेद हो गया और वह इतना बड़ा कि दोस्तों का खात्मा हत्या के रूप में सामने आया। रीवा पुलिस ने मामले का खुलासा किया तो सब हैरान रह गए। एक दोस्त ने अपने जिगरी दोस्त को प्यार के लिए जान से मार दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस हत्या में उस प्रेमिका की भी भूमिका थी जिसके प्यार ने दोनों दोस्तों को अपना जानी दुश्मन बना दिया था। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों जिले के चाकघाट थाना क्षेत्र में नहर किनारे एक शव मिला था जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी थी। पहले तो इसे दुर्घटना पुलिस मान रही थी, लेकिन जब पीएम हुआ तो गोली मार कर हत्या करने का मामला सामने आया। युवक की पहचान कुल्लू आदिवासी के रूप में हुई। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो मृतक के ही जिगरी दोस्त अशोक मांझी पर पुलिस को शक हुआ। उसे पुलिस ने पकड़ कर पूछताछ की तो पहले तो वह पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन बाद में सब कबूल लिया और मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर न्यायालय में पेश कर दिया है। फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है। प्रस्तुत है रीवा एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, ये 2-3 की दरमियानी रात्रि को कल्लू आदिवासी नाम का युवक था जिसके बारे में सूचना आई थी पुलिस को कि कोई युवक पड़ा है, संभवतः एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जब पुलिस ने मौके पर जाकर देखा था तो उसको गोली लगी हुई थी, गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने तत्काल मामला संगीन मानकर प्रकरण पंजीबद्ध किया और एसपी साहब के द्वारा एसडीपी त्योथर के नेतृत्व में वहाँ टीम बनाई गई और आरोपी की पतासाजी कराई गई। एसडीपी त्योथर एसओ चाकघाट उनकी टीम के द्वारा संदिग्ध के पतासाजी के दौरान ये निकल के आया कि एक उसी का मित्र है अशोक मांझी, और उसको जब पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की तो उसने सारी घटना कबूल कर ली है कि ये दोनों आपस में दोस्त थे, मृतक और आरोपी, और एक महिला थी उनसे इन दोनों के संबंध हो गए थे। इस कारण से कुछ विवाद चल रहा था और उसके चलते ही अशोक के द्वारा कल्लू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पता चल रहा कि दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे को मार देते, अगर ये ना मारता तो अगला मार जाता है। अब ये संबंध में पुलिस अपनी तस्दीक कर रही है, तथ्यों की जांच कर रही है। मैन जो मकसद है वो यही है कि उस महिला के संबंधों के चलते इस तरह की घटना घटित हुई है। साथ में पुलिस को ये भी जानकारी में आ रहा है कि जो आरोपी था, आरोपी ने मृतक को मारने के लिए महिला से शायद पहले भी चर्चा की थी, उसकी लोकेशन जानी थी, और उसके बाद जब घटना कारित कर दी तो घटना के बाद भी उसने महिला से बातचीत करके उसको बताया कि मैंने ऐसा कर दिया। तो महिला की भूमिका के संबंध में भी पुलिस इस तरह की जांच कर रही है। अगर उसको पाया जाता है कि महिला की भी इसमें कोई भूमिका रही है उसकी हत्या कराने में, छुपाने में, तो उसके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी।